अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे आप सब। मैं भी ठीक हूँ आप सब की दुआओं की वजह से। वेलकम बैक टू अरीज की दुनिया। गुड मॉर्निंग। नई उम्मीद के साथ मैं करने लगी हूँ अपना व्लॉग शुरू। यह था सुबह का टाइम जहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। नाश्ते में आज मैं ले रही हूँ अंडा, उसके साथ मैं खा रही हूँ कबाब जो मैंने आपको कल दिखाया था। आलू वाला कबाब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने सोचा था कि आज भी मैं नाश्ते में आलू वाला कबाब खाऊंगी। यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ हनी टी। नाश्ता मैंने बना दिया है। नाश्ता बनाने के बाद यहाँ पे मैं खा रही हूँ नाश्ता अपना मज़ेदार सा। तो जी नाश्ता मैंने कर दिया, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैं अपने लिए प्रोडक्ट्स लेके आ गई थी मार्केट से। इसमें है नोवा का हेयर मूस। हेयर स्ट्रेट करती हूँ इस वजह से मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी शादी में जाने पर, इस वजह से मैंने ये लिया है। इससे बाल डैमेज भी नहीं होंगे। ये मेरी मंथली की ग्रोसरी होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है एक शैम्पू पेंटीन का, उसके साथ मेरा एक ब्रश भी है बालों का, और साथ में मैंने लिया है डिओड्रेंट, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ एक बॉडी स्प्रे फरारी। ये मैंने ब्लीच भी ली है ओलेविया की, बहुत ही ज़्यादा ये भी मुझे अच्छी लगी क्योंकि शादी पे जाना है, इस वजह से मैं यही ब्रांड यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये ब्रांड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, रीज़नेबल प्राइस भी है, ये मुझे सूट करती है, इस वजह से मैं यही यूज़ करती हूँ।
आज हमारे बिस्किट्स ख़त्म हो गए थे तो अम्मी ने बिस्किट्स भी मंगवा दिए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे हमारी ग्रोसरी आ चुकी थी। नूडल्स हमारे ख़त्म हो गए थे, मेरे कज़न्स आए थे तो मैंने उनके लिए बनाए थे, इस वजह से मेरे पास ख़त्म हो गए थे। इस बार हमने टिक्का फ्लेवर की मैक्रोनी मंगवाई है क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ऐसे भी ट्राई करके देखूँ कि टिक्का मैक्रोनी बनती कैसी है। मेरे पास शान का पैकेट मसाला है, वो मैं कभी डाल देती हूँ, लेकिन इसमें अलग से मसाला मिलता है मैक्रोनी में। और साथ में हमने तली हुई प्याज भी मंगवा दी है क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो गार्निशिंग के लिए मैं ज़रूर ऐड करती हूँ तली हुई प्याज। और उसके साथ कसूरी मेथी भी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, कसूरी मेथी मैं पकोड़ों में ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है पकोड़ों में। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमारे पास मसाले ख़त्म हो गए थे। मंथली हमारे पास ज़रूर आते हैं ये ग्रोसरी में, हल्दी पाउडर, उसके साथ बादियान का फूल, नमक, और उसके साथ राइस, और भी सारे मसाले हैं जो घर में रेगुलर यूज़ होते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमारे पास ख़त्म हो गए थे, वो भी आ चुके हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जहाँ पे मैंने सामान सारा सेट कर दिया था, जो भी मेरे चीज़ें रखनी थी वो मैंने रख दी। और उसके बाद हम बना रहे हैं रात का खाना। आज भाई बना रहे हैं भुना हुआ गोश्त, जो बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई को और मम्मी को अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने गोश्त को फ्राई करना है अच्छी तरीके से ताकि गोश्त ब्राउन हो जाए। आप बताइएगा कि आप में से किस किस को गोश्त खाना पसंद है, आप किस तरीके का गोश्त खाना पसंद करती हैं, आपको पसंद है या आपकी फैमिली में किसी को भी पसंद है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। Thank you.
यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि गोश्त गला है या नहीं। हमने इसमें गोश्त गलाने का पाउडर भी ऐड किया है। मैंने ऐड किया था इसमें शान का मसाला, जो पाउडर मिलता है। यहाँ पे गोश्त बन चुका था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। और उसके बाद हमारे पास आ गई थी बिरयानी। मैं बहुत ही ज़्यादा कम गोश्त खाती हूँ, इस वजह से यहाँ पे जब बिरयानी आ गई थी मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि मुझे बिरयानी खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिरयानी। यहाँ पे मैं खा रही हूँ खुद बिरयानी, और घर वालों को मैंने खाना दे दिया है। अल्लाह पाक का शुक्र है, दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गुजरा। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की डेली रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।